अब ये जंगली जानवरों के जो हमले हैं रिहायशी इलाकों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इससे बड़ी चिंता हो गई है। कहीं ये पालतू जानवरों पर हमला करके शिकार करते हैं तो कहीं पर इंसानों की भी जान ले रहे हैं। अब यूपी के हम बहराइच की बात कर लें तो यहाँ पर आदमखोर भेड़ियों का ऐसा आतंक हुआ है, उत्पात इन्होंने मचाया कि प्रशासन को ऑपरेशन भेड़िया तक चलाना पड़ा है। और अमित, पीलीभीत में तो सियार के हमलों में 5 बच्चों के घायल होने की खबरें आ रही हैं। श्रुतिका, जिस तेजी से जंगल कट रहे हैं, इंसान रिहाइश में आ रहे हैं, इंसानों की वो रिहाइश में तब्दील हो रहे हैं जंगल, और उससे तो ऐसा लगता है कि ऐसी खबरें आए दिन देखने और सुनने को मिलेंगी, क्योंकि जंगल इन जानवरों का घर है, वहां इंसान दाखिल हो चुका है, इंसान इनका घर इनसे छीनते रहेंगे तो इनकी भी मजबूरी है, रिहायशी इलाकों में ये तो घुसपैठ करेंगे ही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी आप। फॉरेस्ट का घटना ना इन जानवरों के लिए अच्छा है और ना ही इंसानों के लिए, क्योंकि लगातार कम होते पेड़ पौधों से सेहत के लिए भी बड़ा संकट पैदा हो गया है। जितनी हरियाली कम हो रही है उतनी ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब ऊपर से दिनों दिन आप देखिए कि कार, बाइक्स, गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ते जा रहे हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ गया है जिससे प्रदूषण इतना हो गया है। इसके चक्कर में अब लंग्स, हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन, हर चीज पर एक खतरा मंडराने लगा है। बिल्कुल, जरा सोचिए पूरी दुनिया में होने वाले 40 करोड़ टन प्लास्टिक पोल्यूशन में सबसे ज्यादा 93 लाख टन भारत करता है। इसलिए देश के हार्ट डिजीज, किडनी प्रॉब्लम्स, फैटी लीवर, लंग फाइब्रोसिस, डिमेंशिया, अल्जाइमर, ब्रेन स्ट्रोक, हाइपरटेंशन के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इतने सारे खतरों को देखते हुए, समझते हुए इंडिया टीवी फिर ये लगातार एक पौधा सेहत के नाम ये मुहिम चला रहा है। इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, ना सिर्फ आपके हेल्थ के लिए, पर्यावरण के लिए, इस इकोसिस्टम के लिए। तो चलिए स्वामी रामदेव के पास चलते हैं और इस मुहिम को और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले जिन 8 घातक बीमारियों का खतरा सेहत पर मंडरा रहा है उसके यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय भी जानते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। हमने बचपन से पेड़ पौधों की देखभाल की है, पेड़ पौधे लगाए हैं और उनको सुरक्षा भी दी है, उनको पानी भी दिया है और अभी भी वो काम हम लगातार करते रहते हैं जिससे हमारी यह आदत बनी रहे। और हमने जो पेड़ लगाए थे बचपन में वो पेड़ अब बड़े बड़े हो गए। यहाँ पर भी जो आप पेड़ देख रहे हो, ये सारे पेड़ हमने लगाए थे। अब करीब 1000 से ज़्यादा पेड़ पौधे, यदि ड्रोन कैमरा होता तो पूरा दिखता है, वो लगता है ऊपर ऊपर घूम ही रहा है। और इसके बीच में हम आज योग कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा पेड़ पौधे वनस्पतियाँ यहाँ पर हैं और इनके बीच में आज योग कर रहे हैं। पेड़ों से जुड़ो, बड़ों से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो, संस्कृति से जुड़ो और जंगलों को मत काटो। जंगल हम काटेंगे, अतिक्रमण ये बहुत खतरनाक है। हमने जंगल में अतिक्रमण किया तो आपने ठीक कहा श्रुतिका जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, कि फिर जो है हमारी बस्तियों में जानवर नहीं आए, हम जानवरों की जीव की बस्ती में घुस गए और इसलिए सारी तकलीफ पैदा हुई है। हमें वापस प्रकृति के संतुलन को, नेचर एनवायरनमेंट को बनाए रखना है तो इसके लिए पेड़ों को इस धरती माता के श्रृंगार के रूप में संजोए रखना है। और इसी के साथ आज का हम पावर योग भी शुरू कर रहे हैं। मैंने तो कल कहा था हर दिन की शुरुआत पसीना बहाने के साथ होनी चाहिए, कोई बहाना नहीं बहाना बनाना, पसीना जरूर बहाना। और पसीना बहा करके फिर अपने अपने आसन प्राणायाम करना, सुबह 1 चम्मच गाय का घी खाना, नारियल का तेल या तिल का तेल लेना, वात रोगों में तिल का तेल, कफ रोगों में सरसों का तेल, पित्त रोगों में गाय का घी सर्वश्रेष्ठ है, रोज नस्य करना। आज हम चैलेंज भी योग की श्रेष्ठ परंपरा का एक बहुत बड़ा देने वाले हैं और जन जन तक ये पंचकर्मा षटकर्मा प्रतिष्ठित हो ये संदेश भी देने वाले हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ जब हम ऐसे सूर्य नमस्कार सामान्य गति से करते हैं, मध्यम गति से करते हैं, गति बढ़ा लेते हैं,
मैं तो एक मिनट में ऐसे 10 बार करता हूँ, 1 मिनट में 10 बार, 1 मिनट में 5 बार, धीरे धीरे, और फिर इसके बाद थोड़ी दंड बैठक, इसके साथ रोज शुरुआत की दंड बैठक आदत बनाए। तो देखो, एक तो दंड बैठक बहुत जरूरी है, एक ये ऐसे और दंड बैठक दोनों साथ ही साथ हो जाते हैं, इसमें तो इसको सपाटा दंड कहते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा तेजी से करवाते हैं और ज्यादा अच्छा पसीना आता है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे हनुमान दंड, बहुत जबरदस्त है, एक एक सेल से लेकर के सोल तक पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं, एपोप्टोसिस अच्छा हो जाता है, ऑटोफेजी माइटोफेजी अच्छी हो जाती है, पूरी बॉडी का एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, पूरा त्रिदोष ठीक हो जाता है, और शरीर निर्दोष होने के साथ मन भी निर्दोष निर्विचार निर्विकार हो जाता है। तो जो पूरा कर सके वैसे पार्श्व दंड और चक्र दंड भी लगा लेना, लग जाए तो आज तो जड़ों के बीच में पूरी ऑक्सीजन मिल रही है, पूरा मजा आ रहा है, यह है आनंद की अनुभूति, और ऐसे कर लेना, ये हो जाए तो बात ही क्या, ऐसे ऐसे ये, और इतना भी ना हो तो ये भुजंगासन जिंदाबाद है। अब तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, कृतिका जी भी साधारण दंड हनुमान दंड बहुत अच्छे से कर रही है, मिश्र दंड, और इससे ये बहुत अच्छा है, ऐसे 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 भी कर लेते हैं, ये और एक है, ये आज का पावर योगा का सेशन पूरा हो गया, ऐसे जबरदस्त 5 मिनट कर लेना, फिर 100 साल तक ऊर्जावान रहेंगे। आप तो अनुलोम विलोम करो सैनी साहब, हाँ तो आप अनुलोम विलोम करो, दंड बैठक जो है आपको अभी नहीं लगाने, हाँ लंबे लंबे श्वास स्वामी जी, आपने पावर योगा का पूरा सेशन करवा दिया है, पूरे योद्धा हैं हमारे, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े और विषय लें, करनाल में सबसे पहले अलग जगाई उन्होंने 25 साल पहले जी स्वामी जी, तो स्वामी जी जरा लोगों को अलर्ट भी कर देते हैं, क्योंकि दिल्ली में स्वामी जी पहला मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज सामने आया है, यानी कि मंकी पॉक्स ने हिंदुस्तान में दस्तक दे दी है स्वामी जी, इस खबर से पहले ही लोग दहशत में होंगे, तो जरा उनको भी बताइए कि क्या सावधानी बरतें, कि आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं जिससे कि जो मंकी पॉक्स का जो हमला है उन पर ना हो सके, वो बचे रहे, चिकन पॉक्स हो, जितने भी बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज हो, इम्यूनिटी से रिलेटेड डिजीज, लो इम्यूनिटी वालों को ये सब पंगा होगा, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, मैं भी तो मंकी पॉक्स से शुरू हो गया, उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, हांगकांग, सब दुबई, सब जगह होकर के आया ना, तो मुझे क्यों नहीं हुआ, और सच्ची बात है मैंने मास्क भी नहीं लगाया, मास्क में ना ऐसे वैसे लगा लेना चाहिए भीड़ में, लेकिन मास्क में ना ऐसे जीसा घुटता है, क्योंकि मैं सुबह रोज जल नेति सूत्र नेति करता हूँ, अणु तेल डालता हूँ, तो अणु तेल हमारा सुरक्षा कवच का काम करता है, तो रोज जल नेति किया करें, आज जल नेति का चैलेंज देंगे, कैसे जल नेति करनी है और 2 मिनट में जल नेति कैसे हो सकती है उसका भी उपाय बताएंगे, जल नेति करें, अणु तेल नाक में डालें, कान में ईयर ग्रिड, आँख में आई ग्रिड डालें, और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है वो इम्यूनोग्रिड, और किसी किसी के आँखों से भी बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज का खतरा रहता है आँखों में, तो आई ग्रिड लें, कान में भी फंगस हो जाती है ईयर ग्रिड लें, किसी का लीवर किडनी बहुत कमज़ोरी है तो लियोग्रिट रिनोग्रिट, किसी के फेफड़े बहुत कमज़ोर रहते हैं वो तो भुजंगासन 100 बार ये करें, ऐसे बताया, बीच में रिलैक्स होने के लिए मैंने मकरासन किया था, तो स्वासारी ब्रोनकोम ले लें, दूध में हल्दी सिलाजीत या च्यवनप्राश, ये कुछ लोग बावड़े हैं उनको ऐसा लगता है सर्दी में ही खाना चाहिए च्यवनप्राश, सर्दी हो या गर्मी जिनके भी फेफड़े कमज़ोर हैं उनको 12 महीने ले सकते हैं,
लंबे लंबे श्वास ऐसे, बहुत ही जबरदस्त है भुजंगासन। ये तो 100 बार तक मुझे पहुंचाना है लोगों को, 10-10 रोज बढ़ाने के लिए मैंने बोला है, और 10 दिन में 100 बार तक सारा हिंदुस्तान पहुंच जाएगा। फिर किसी को कोई बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज, कोई कम्युनिकेबल डिजीज, कोई भी चिकन पॉक्स हो, मंकी पॉक्स हो, और कोई, सारे पॉक्स को बॉक्स में बंद करके रख देंगे। बस लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे करना है। क्या बात है, कितना अच्छा करती है ये जो स्वामी जी आपने चैलेंज दे दिया है ना सबको, पूरा हिंदुस्तान दस दस करके बढ़ाते जाना है और 100 तक लाना है। ऐसा ना महीने के एंड तक हम भी गाने लगे 16 का डोला। स्वामी जी पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के हमले ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हम हर दिन खबरें पढ़ रहे हैं कि भेड़िया जो है एक दिन शिकार पर निकलता है, अगले दिन किसी और गांव पर धावा बोल देता है, छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा निशाना बना रहा है। ऑपरेशन भेड़िया चल तो रहा है लेकिन अभी पूरी कामयाबी नहीं मिली है, और अभी तो मामला खत्म नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश के ही पीलीभीत से सीआर के हमले की खबर भी आ गई। आखिर ये जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की तरफ रुख क्यों कर रहे हैं? कहीं ये लगातार कम होते जंगलों की वजह से तो नहीं, क्योंकि यही तो जंगल इनका घर है जहां पर हमने अपना घर बना लिया है। हाँ मीनाक्षी जी, 80% जंगल हमने काट दिए। आप सोचो भारत की आबादी 200 साल पहले मात्र 10 करोड़ होगी, 10 करोड़ 200 साल पहले, और जिस समय ब्रिटिशर्स का शासन था उस समय इस देश की आबादी 20-25 और लास्ट में बढ़ते बढ़ते 30 करोड़ तक पहुंचे। हमने जंगल काट दिए बेरहमी बेदर्दी से, और सारे पशुओं के आशियाने हमने उजाड़ दिए, और यही कारण है कभी शियार, कभी शेर, कभी हाथी, पूरे अलग अलग हमलों को आप देखेंगे तो अभी तक लाखों लोग इनके हमले के शिकार हो चुके हैं, हजारों लोग मर चुके हैं पिछले कुछ वर्षों में। अंग्रेजों के समय में तो मैंने एक दिन पूरा इंडिया टीवी पर ही कार्यक्रम देखा था, पिछले 1950 के बाद पूरे विश्व की आबादी 10 गुना बढ़ गई रे रामा रामा, लो क्या बुरा हाल किया है हमने, और फिर जंगल काट दिए तो कहाँ जाएंगे जीव, और हमने अपने ही ऊपर ये आत्मघाती हमला किया। खुद ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, वनस्पतियाँ जड़ी बूटियाँ कहाँ से मिलेंगी, और अपने आने वाली नस्लों को हम कैसे बताएंगे कि ये पेड़ पौधे हुआ करते थे, ये जीव जंतु हुआ करते थे। तो पूरी ये डाइवर्सिटी, नेचुरल डाइवर्सिटी हमने पूरी ख़त्म कर दी, जैव विविधता, नैसर्गिक प्राकृतिक विविधता को हमने ख़त्म कर डाला, इससे तो बचना पड़ेगा और पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। इसलिए एक पेड़ सेहत के नाम हमने जो मुहिम शुरू की है ना, उसको हर दिन हम आगे बढ़ा रहे हैं, और हम कह रहे हैं घर घर में आंवला एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना पत्थर चटा ब्राह्मी शंख पुष्पी तुलसी, ये तो सब घर में होना ही चाहिए ना। अब लोग लगा रहे हैं हमें सुन सुन करके, अब चारों तरफ ऐसा वातावरण बनाना है। हमारी छतें देखें ऊपर से, किसी को भाई सोलर लगाना हो तो छत पे सोलर लगा लेना, नहीं तो छत पे ही अपना एक किचन गार्डन बना लेना, एक उसी में ही 150 गमले लगा करके उसमें बोनसाई पेड़ पौधे लगा लेना, शाक सब्जियां लगा लेना उसके अंदर गमलों में, लौकी की एक बेल लगा दी, ऊपर से तार सी लगा देते हैं उस पर पूरी चढ़ जाती है, ये हमने कई बार बताया हुआ है। लौकी करेला तुरई परवल टिंडा कद्दू ये बहुत अच्छे लगते हैं, सेम फली गवार फली ऐसे गमले में लग जाते हैं, टमाटर भी लता वाला टमाटर आता है उसी को लगा लें, कितना अच्छा होगा, चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखेगी। तो ये छोटे छोटे कुछ इनिशिएटिव हमें लेने पड़ेंगे, ले रहे हैं लोग धीरे धीरे,
रोज मंडूकासन, पवन मुक्तासन, ये तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। लीवर की, किडनी की, पेट की, बीपी की, शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। रोज मंडूकासन करना है, मुट्ठी बांध के मूल बदुरियान बंद लगा के अथवा मुट्ठी खोल के देखो ऐसे, ये कितना अच्छा है नहीं? काश सब सुबह सुबह रोज योग कर लें, योग से जुड़े, प्रकृति से जुड़े, पेड़ पौधों से जुड़े, एक दूसरे से जुड़े, एकत्व अस्तित्व सामंजस्य एकता, वननेस को एग्जिस्टेंस, हारमोनी यूनिटी, यही तो हमारी संस्कृति के और योग के मूल सिद्धांत मूल्य आदर्श हैं। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने। मंडूकासन पावन स्वामी जी, पिछले साल दुनिया भर में करीब 37 लाख हेक्टेयर जंगल खत्म हुए, जो पूरे भूटान देश के बराबर जितनी जमीन है उसके बराबर है। स्वामी जी, इसका असर क्या हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली गई, जमीन इतनी गर्म हो रही है कि पक्षियों को ऊंचाई पर उड़ना पड़ रहा है, और ये हम खुद नहीं कह रहे हैं बल्कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक रिसर्च हुई है, कई पक्षी तो लगभग विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और ग्लोबल वार्मिंग से मौसम का मिजाज भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, सेहत के खिलाफ जा रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करवा दीजिए, ताकि ये जो दुष्प्रभाव हैं जिनसे हमें लड़ने में वक्त लगेगा, सिस्टम और चीज़ें बेहतर होने में वक्त लगेगा, तो हमारी इम्यूनिटी तब तक स्ट्रॉन्ग रहे। इसको अच्छा करने के लिए इम्यूनोग्रिड, इम्यूनोग्रिड कोर, गिलोई खनवटी, सर्वांगासन रोज करें। सर्वांगासन रोज करना, सर्वांगासन ये अलासन रोज करना, इम्यूनोग्रिड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, जिनके लंग की इम्यूनिटी वीक है उनको स्वासरी ब्रोंको, और स्वासरी क्वाथ लंग के लिए, इम्यूनोग्रिड क्वाथ पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए। रोज शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, और इम्यूनिटी के लिए भुजंगासन तो 100 बार करने का हमने टारगेट दिया ही है। सुबह उठ करके गाय का घी लें, अपने घर में ही हल्दी, तुलसी, अदरक, लहसुन, प्याज, इनका सबका रस निकाल लें, लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, तुलसी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निरगुंडी, ये इतनी अच्छी चीज़ें इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। सुबह सुबह अंकुरित लें, सुबह सुबह फल फ्रूट्स खाएं, कोशिश करें अनार, सेब सबसे बेस्ट है, अंकुरित में मूंग, मेथी, मेथी जरूर लें अंकुरित, इससे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, लोगों की न्यूट्रिशंस की कमी होने से विटामिन डी, B12, कैल्शियम, ओमेगा आदि, विटामिन सी आदि की कमी के कारण से भी सब होता है। तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये सब चीज़ों का जितना जिसको द्रव्य उपलब्ध हो जाए नैसर्गिक, अपने घर में गमलों में लगा लें, नहीं तो पतंजलि के ले लें, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, पंचांग, ये सब जो हम उपलब्ध कराते हैं सुबह सुबह ले लिया करें, और अंकुरित लिया करें सुबह सुबह। सबसे अच्छा है अनार, सेब, बग्गू कोसा, पपीता, और सब धीरे धीरे खाए करें। सुबह का उबला हुआ खाना, पका हुआ खाना, कुक्ड फूड ना खाएं सुबह सुबह। दोपहर को 12 बजे एक भुक्तम सदारोग्यम, द्वि भुक्तम बलवर्धनम, त्रि भुक्तम सदारोगम, चतुर भुक्तम तो मारकम। 12 से 1 के बीच खाना खा ले, काल भोजनम आरोग्य कराणा, और शाम को फिर वापस फ्रूट्स या उबली हुई सब्जियां अथवा दूध। आप भी ऐसे ही कर लो 100 साल तक। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी और अमित जी, सेम टू यू, सब ऐसे ही रहोगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो है हमको 100 साल तक बूढ़े नहीं होना है, और 100 साल से ज्यादा तक हमको ये योग का कार्यक्रम चलाना है। रोगों से जंग, और रोगों से जंग नहीं, जिंदगी में तो हर समय जंग है। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सुवीर, जाके असरत होई दृढ़ सुनो सखा मति थी।
तो ये जो हम योग कराते हैं और उसके साथ जो सूत्र बताते हैं जीवन के, उससे जिंदगी की भी जंग हम जीत पाते हैं, अपने शरीर इंद्रियों मन पर भी विजय पाते हैं, और संसार में जिंदगी में हर कदम पर संकट संघर्ष चुनौतियां उन पर भी विजय पा करके जीवन में स्वास्थ्य तो पाते, सुख समृद्धि शांति सफलता विजय पाते हैं। ये योग का मार्ग है आत्मनिर्माण से आत्मनिर्वाण का। तो जो एक बार खाएगा उसकी इम्यूनिटी हाई रहेगी। अब जो बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करते हो तो ये भुजंगासन 100 बार इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। फिर जो ज्यादा इम्यूनिटी मजबूत बनाना चाहते हैं वो ऐसे ये कर लें, ये पहले ही बता चुके हम, धीरे धीरे 10 बार से बढ़ा करके 100 बार तक, ऐसे ऐसे, ये एक एक अभ्यास 10-10 बार से शुरू करके फिर 100-100 बार तक जाना। जिनको बहुत ही न्यूट्रिशंस की कमी रहती है तो न्यूट्रिला डेली एक्टिव, ये हमने दाईं तरफ आज ये रखा हुआ है पूरा न्यूट्रिला डेली एक्टिव। हाँ, और सारे हमने अश्वगंधा ये सब जने च्युइंगम के तौर पर ही दे रखे हैं। ये अश्वगंधा ले लेंगे और शतावर ले लेंगे, और ये प्लांट बेस्ड जो है ग्रीन प्रोटीन है, ये चीज़ें लें, एनिमल बेस्ड केमिकल बेस्ड ये सब चीज़ें खाते रहते थे, विटामिन डी B12 आयरन ओमेगा सब, कोलेजन के लिए कोलेजन प्रास, पूरी इम्यूनिटी के लिए च्यवनप्राश यही मिलेगा। कि आपने सारे न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया, सारे हमें बता दिया कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, लेकिन साथ ही जहाँ पर आप हैं स्वामी जी, इतनी खूबसूरत जगह है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और जन्नत जैसा लगता है, लेकिन एक और जन्नत है जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वहां पर हमारे सहयोगी हुसैन मौजूद है। तो चलते हैं कश्मीर, जहां हुसैन एक और योगिनी से मिले हैं, और हुसैन क्या बता रहे हैं वहां पर और किस तरह से कश्मीर में अच्छा काम कर रहे हैं योग, मोदी मुसलमान के साथ योग को उन्होंने नहीं छोड़ा जी। स्वामी जी तो देखते हैं, हम इस वक्त गांदरबल में हैं और तौबा नजीर हमारे साथ हैं, जबरदस्त योगा करती हैं और काफी दूर तक पार्टिसिपेट भी करने गई हैं, लेकिन उससे पहले जरा यहाँ की खूबसूरती फरमान आपको दिखाएंगे। देखिए दूर तक आपको सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखेगी और बहुत सुकून देने वाली खामोशी है यहाँ पर। आपका नाम है महबूबा, फूल भी बहुत सुंदर सुंदर, मिस महबूबा है, तोयबा नजीर की अम्मी है। तो महबूबा जी, आपकी बिटिया जानी जो है योगा करती है, कोई अच्छा सब अच्छा है अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा है, महल्ले के लोग वो भी बहुत सपोर्ट में अच्छे, बस बहुत बोलते हैं। तो आप भी कुछ करती हैं? नहीं, मैं घर में ही रहती हूँ। कुछ ये योगा सिखाती हैं? हाँ, घर में मुझको ये प्रैक्टिस वगैरह। अच्छा, चलिए अब हम जरा सा तोयबा से कुछ एडवांस आसन देखेंगे कि तोयबा आप क्या क्या करके हमें दिखाने वाली, बताइए। मैं पहले रिम्बासना और शलभासना करूंगी, नटराज आसना करूंगी और अपने जो भी बेस्ट वाले आसन है सब करूंगी। स्वामी जी, आपको देख करके भी इस बच्ची ने भी बहुत कुछ सीखा, और ये बड़ी खुशी की बात है कि घर घर में बच्चे योग कर रहे हैं, बच्चे अपनी माँ को सिखा रहे हैं, अपने पापा को सिखा रहे हैं, तो उससे क्या है कि लोग अपने आप को हेल्दी रख रहे हैं। तो चलिए तोयबा नजीर के एडवांस आसन देखते हैं। बड़ा जोरदार मामला, तोयबा ने ये इतनी आसानी से किया है कि लग रहा है कि शायद बैकबोन बहुत किसी रूई के फाये जैसी है, हड्डियां शायद है ही नहीं, लेकिन ये सब कुछ मुमकिन होता है बहुत प्रैक्टिस से, और बहुत तो प्रैक्टिस करके तोयबा ने जिस बेटी ने किया आज तो उससे भी एडवांस बेटी ढूंढ ली। आप भी बड़े खोजी हो हुसैन जी, इनका एड्रेस भेज रहे हैं, इन सबको हम पुरस्कार भी भेजेंगे, इनाम भेजेंगे बच्चों को, और एक बात फिर चक्रासन, क्या बात है, आप बात कर पाएंगी क्या अभी ऐसे आसन के दरमियान आवाज निकलेगी? चक्रासन तोयबा, आप आसन करते वक्त बोल पाएंगी? हमारे स्वामी जी तो आसन करते करते बहुत सारी बातें कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन गला दब रहा है। खैर, स्कूल का नाम क्या? मिशन पब्लिक हाई स्कूल। मिशन पब्लिक हाई स्कूल। तो तोयबा, आपके साथ आपके जितने बच्चे साथ में पढ़ते होंगे वो तो आपको देख के बहुत बिल्कुल से सोचते होंगे काश मैं भी सीख पाती, कुछ है ऐसा है? जी बिल्कुल, बहुत सारे इंटरेस्टेड हैं और खेलते भी हैं, इनफैक्ट आधे वॉलीबॉल वगैरह, बट मोस्ट ऑफ देम उनके पेरेंट्स को अलो नहीं करते। अच्छा अच्छा, चलिए आइए जरा सा फिर से आप जमीन पर खड़ी होइए। हम लोग लगातार ये जानते हैं कि आसनों का राजा होता है शीर्षासन, हेड स्टैंड, और रानी जो है वो
सर्वांगासन होता है। सर्वांगासन तो शीर्षासन करने आता है आपको? वेरी कम्फर्टेबल, वेरी कम्फर्टेबल। चलिए दिखाइए जरा। टेक्निक जो होनी चाहिए, तोयबा पूरी टेक्निक के साथ कर रही है। बिल्कुल कंफर्टेबल हो तोयबा? तो तोयबा देखिए, जैसे स्वामी जी आसन करते करते बात करती हैं, तो वैसे ही तोयबा भी बात कर लेती है। तोयबा के लिए अभिनंदन है। ऐसे अब सारी दीवारें मजहब की कितनी देर तक शीर्षासन करती हैं? मिनिमम एक मिनट सबको जोड़ दिया। एक मिनट और मैक्सिमम? और मैक्सिमम मैं कर लेती हूँ लाइक वन एंड हाफ। चलिए, अब आपने जो आसमान पैरों पर रखा है ना, वो अब जमीन पे आ जाइए आप। इतनी अच्छी योगिनी हमें कश्मीर की घाटी से तोयबा मिली है, और अब तो एशियन गेम्स में चूंकि योग शामिल है, ऐसी योगिनी अब वहां पहुंचेंगे तो मेडल हमारा पक्का है। पक्का। स्वामी जी देखिए, हम ये कहते हैं कि योग करना चाहिए, और योग को गुफाओं से कंदराओं से निकालकर घर घर का हिस्सा बनाने की जो प्रेरणा आपसे हमें मिली है, आपने जो ये योग की अलख पूरे विश्व में जगाई है, उसका क्या फल है वो हम देख सकते हैं। फिर चाहे हम ये कहते हैं कि पुणे से बहुत सारे वीडियोस आते हैं, केवल पुणे ही नहीं, आप देखिए ना कश्मीर से इतनी प्यारी योगिनी मिलेंगी, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। तो एबा बहुत बहुत बधाई भी आपको, क्योंकि आपका एड्रेस जो है स्वामी जी के पास लिखवा दिया जाएगा, तो आप तक भी प्रशस्ति पत्र जरूर पहुंचेगा। स्वामी जी, पेड़ों के कटने से जानवरों के घर खत्म हो रहे हैं, हम ये चर्चा कर रहे हैं, और हॉस्पिटल लोगों का घर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि ट्री प्लांट्स आजकल के पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन देने का जो काम करते हैं वही कटते जा रहे हैं। प्रदूषण का जहर कितना खतरनाक है ये हम सब जानते हैं, लेकिन हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए तो ये और ज्यादा घातक है। स्वामी जी, हाई बीपी को कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय भी आप समझाएं। आपने एकदम, ये तो एक तो बहुत अच्छी बात कही मीनाक्षी जी, पेड़ कट गए तो हम लोग जंगल से हॉस्पिटल में पहुंच गए, और वहां एक ऑक्सीजन का सिलेंडर 1000 से लेकर के और कमरे सहित डॉक्टर की फीस सहित कितने का पड़ता है? 5000। सर्वाइव करने के लिए डेली कितना लग रहा है हॉस्पिटल में? 5000 महीने का, 1.5 लाख। और धीरे धीरे करके फैमिली हॉस्पिटल में पहुंच जाए तो बर्बाद, माने सारी सेविंग ख़त्म। तो भाई पेड़ पौधों से ऑक्सीजन ले लो, हॉस्पिटल वाला ऑक्सीजन बड़ा महंगा पड़ेगा, और हाइपरटेंशन के लिए तो बेस्ट है लेट करके मरकटासन और बैठ करके गुमुखासन। तो हमने कर लिया, एक तो ये मरकटासन बहुत ही जबरदस्त है, ऐसे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, देखो ऐसे पैर आना, ये लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। सीधे लेट करके मरकटासन, उल्टे लेट करके भुजंगासन, बैठ करके आगे झुके तो शशकासन, और पीछे झुके तो सुप्त वज्रासन। ये है, यह है हाइपरटेंशन के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिड, इसके रेडीमेड उपाय। लौकी का जूस, पेठे का जूस, ये इसके घरेलू उपाय। और मड थेरापी, वाटर थेरापी, थोड़ी देर घर में शावर के नीचे बैठ जाएं, सिर पर धीरे धीरे फवारे की धार पड़ने दें, अभी तो गर्मियां हैं, ठंडी ठंडी पड़ने दें, थोड़ा सर्दी आ जाएंगी तो हल्का सा कोसा पानी, वार्म वाटर सिर पर पड़ने दें, और उसी में ही कपाल भाती करते रहें। तो और ये पॉइंट दबा लें, ये पॉइंट है हाइपरटेंशन के लिए, हाथ में भी सेम, पैर में भी ऐसे, और इसमें कपाल भाती धीरे करना है, तेजी से नहीं, शीतल शीतकारी, बहुत जबरदस्त है। एक बार सांस भरने से बीपी नॉर्मल, हार्ट बीट नॉर्मल, चित्त प्रशांत हो जाता है, चंचल मन मेरे ओम जपा कर, ओम जपा कर।
पल पल चिलचिले ओम जपा कर ओम सीतरी सीतकारी दाएं नाक को बंद करके बाएं से श्वास लेना चंद्रभेदी प्राणायाम बाएं से लिया दाएं से छोड़ा बार बार बाएं से लिया दाएं से छोड़ा अनुलोम विलोम भी अच्छा है भ्रामरी उद्गीत ओंकार ध्यान राम ध्यान परिषण भी चल रहा है ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आर्यर्याणम ओम नमो उवज्जायाणम ओम नमो लोय सव साहूणम ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणासनो सर्व पाप प्रणासनो मंगलानां च सव्येसिं पढ़म वै मंगलम ओम गंगणपतये नमो नमः ओम श्री सिद्धि विनायक नमो नमः नमोंकार मंत्र के साथ भगवान गणेश जी के ध्यान के साथ शिव जी राम जी के कृष्ण जी हनुमान जी के ध्यान के साथ अनुलोम विलोम करें ना इसको शरणागति ध्यान कहते हैं और सब नाम रूप स्वरूप भगवान के ही इसको विश्व रूप दर्शन योग कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में और अब सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन सांसों पर ध्यान दे करके मूलाधार से सस्रार तक अंत चक्रों के जागरण करना इसको कहते हैं आत्म संयम योग उद्धरेत आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादेत तो मैं जंगल में बैठा बैठा भूल ही गया कि मैं इंडिया टीवी पर योग कर रहा हूँ मुझे लगा मैं वापस कंदराओं गुफाओं में पहुँच गया हूँ अभी मीनाक्षी जी कह रही थी कंदराओं में गुफाओं में ग्रंथों में जो योग था वो जन जन तक पहुँच गया तो हमने घर को ही गुफा बना दिया है अब अपने तन में मन में ही जो ग्रंथों में वेदों में बोध था हमने आत्मबोध के द्वारा अंतर वेद को अंतर बोध को जागृत कर दिया योग से। स्वामी जी आपने कहा कि घर को ही आपने गुफा बना दिया हम तीनों ने मिलकर तो स्टूडियो को ही बना दिया खैर हंसी मजाक थोड़ा थोड़ा होते रहना घर चाहिए गुफा हो गए देह देवालय हो गए और इंडिया टीवी ने बहुत बड़ा उपकार और उपचार किया संसार के ऊपर थैंक यू रिदत शर्मा जी ऋतुजो और अनिता जी पंकज जी अभिनंदन है और 50 से ज़्यादा लोग लगते हैं सुबह सुबह इंडिया टीवी पर तब जा करके ये करोड़ों लोगों तक योग का अभियान पहुंचता है सबके लिए अभिनंदन है ऐसे नहीं हो जा रहा सबसे बड़ा थैंक यू स्वामी जी आपको और लोग कि बिना कोई अवकाश के मधुमेह से मुक्त हो रहे हैं नियमित रूप से आप हमें योग सिखा रहे हैं स्ट्रेस से मुक्त हो रहे हैं योग युक्त हो रहे हैं रोग मुक्त हो रहे हैं स्वामी जी बीपी कंट्रोल ना हो तो दिल के ब्लड वेसल्स कमजोर होने लगते हैं हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ने लगता है ऐसे में दिल के ब्लड वेसल्स को मजबूत कैसे बनाएं ताकि दिल धोखा ना दे पाए और कोई और दूसरा धोखा दे तो दिल को चोट ना पहुंचे लंबे लंबे श्वास ले एक तो ऐसे करें। चाहिए खड़े हो करके तो देखो ऐसे करें चलो खड़े हो जाए अनुलोम विलोम करो आप तो बैठे बैठे सैनी जी ये करो अनुलोम विलोम से सभी ताड़ासन करो ये दिल के लिए बड़ा अच्छा है देखो कितनी अच्छी स्ट्रेचिंग भी हो जाती है कुछ कहते हैं कि दिल है कि मानता नहीं दिल मांगे मोर दिल है कि लगता नहीं दिल है कि इधर उधर डोलता है और कुछ तो ऐसे गाने गाते मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा मैंने कहा कोई चने की बोरी थी जो फूट गई थी है अपने दिल को संभाल के रख तो दिल लगता नहीं जो करो दिल अच्छा हो जाएगा सही जगह लगेगा सही काम में लगेगा ताड़ासन तिरक ताड़ासन करो कट चक्रासन करो और फिर देखो ऐसे ये करो ऐसे ये ऐसे कितना अच्छा ना इसमें पूरी ऑक्सीजन मिलती है और ये फेफड़े के लिए हार्ट के लिए बहुत अच्छा ऐसे फिर दूसरा देखो ऐसे ये ऐसे इसको बैठ के भी कर सकते हैं ऐसे फिर देखो ये ऐसे ये फिर इसमें बहुत ही अच्छा आसन आजकल तो रोज़ ही हमने कराना शुरू कर दिया मंडूक आसन कौन मुक्त आसन की तरह गोमुख आसन भी वो ऐसे होता है देखो बैठ करके भी अभ्यास कर सकते हैं ऐसे और ऐसे भी ये ऐसे 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 और फिर ये ऐसे गोमुख आसन हार्ट के लिए कार्डियोग्रेट खा लेते खाने के बाद हृदय अमृत अर्जुन अरिष्ट अर्जुन की छाल दालचीनी अर्जुन घनवट स्वामी जी खाली पेट लहसुन या तो कोलेस्ट्रॉल के लिए हार्ट के जो ड्रोन से शॉट्स आ रहे हैं स्वामी जी इतना खूबसूरत है ये पूरा इलाका चारों तरफ स्वामी जी पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं हरियाली नजर आ रही है और इसलिए तो हमने मुहिम भी शुरू की है स्वामी जी एक पौधा सेहत के नाम तो बढ़ते हैं
और आज स्वामी जी किस पौधे को इस लगाने जा रहे हैं उसके फायदे बताइए। तो देखो आज का पौधा यह हमारे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी को बड़ा प्रिय है। हाँ, हमारे वैद्यराज भी हैं वो। ये अपने घरों में आप ऑफिस में भी लगा सकते हैं। आदरणीय रजत शर्मा जी के यहाँ पर भी ऋतु जी ने लगाया हुआ है। ये बहुत ही चमत्कारी पौधा है। इससे एक तो पूरा इन्वायरमेंट पवित्र रहता है। लोग अपने ऑफिस में बांस लगा के रखते हैं। अरे मैंने कहा भाई बांस जो है ये अशुभ है, ये मौत का निमंत्रण है। आप अपने घर में ऑर्चिड लगा के रखो, इसके पत्ते और फूल ये जब तक खिले तब तक खिलने दो, बाद में थोड़े पत्तों की कटिंग कर लो, जब जो है थोड़े पीले पड़ने लगे उसको काट करके जो है उसका जूस पी ले, इससे अल्सर ठीक होता है, इससे वजन भी कम होता है, पाचन तंत्र बेहतर होता है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आँखों के लिए भी, ऐसे भी इसको देखने से ना कितनी अच्छी हो जाती है आँखें। और आज आँखों के लिए जल नेते भी अंत में बताने वाले हैं कितना खूबसूरत है प्रकृति। संस्कृति की शरण में रहो। ओहो आनंद आनंद। पेड़ पौधे देखने से, हरियाली देखने से ऐसी भी आंखें अच्छी रहती है। त्राटक करने से, नंगे पैर घास पर चलने से, मैं रोज़ सुबह नंगे पैर घास पर चलता हूँ, इतनी मेरी आंखें 100 साल तक अच्छी रहने वाली। चश्मा न कैटरे गुरकोमा कुछ नहीं। तो स्वामी जी अब बात करते हैं हम उन वायरल दावों की जिसको लेकर कई सवाल आते हैं, तो फैक्ट चेक करते हैं स्वामी जी। और स्वामी जी आज क्या दावा किया जा रहा है बताते हैं आपको। फैटी लीवर की बीमारी खतरनाक नहीं मामूली है, डरने की जरूरत नहीं है। जबकि स्वामी जी हम तो यही पढ़ते हैं कि अगर शुरू में कंट्रोल ना हो तो ये खतरनाक बन जाती है, हार्ट अटैक तक आ सकता है। अरे ये बहुत गलत दवा आपने कहां से, ऐसे लोग क्या है। अब दरअसल 25-30% लोगों को हो गया फैटी लीवर, फिर लीवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर। आज 50% से ज्यादा लोग पेट की बीमारियों से इसलिए तो ग्रसित हैं। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता फैटी लीवर, फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 होने के बाद लीवर फाइब्रोसिस, फिर लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, फिर लीवर कैंसर और फिर मौत। इसलिए दवा बहुत ही खतरनाक है, यह गलत है, ये ठीक दवा नहीं है। तो फैटी लीवर की वायरल दावों की पड़ताल हो जाए और जो सच्चाई है वो लोग जाने। स्वामी जी अब बात योग चैलेंज की। स्वामी जी योग चैलेंज को एक्सेप्ट करके बहुत सारे दर्शकों ने जो वीडियो भेजे, योग का वातावरण बना है वो हम दर्शकों को दिखा देते हैं। भूनमनासन का ये चैलेंज महाराष्ट्र, इंदौर, कोलकाता, पूरा पश्चिम देखिए, सब सब यहाँ पर योग का वातावरण स्वामी जी जो कह रहे हैं वो वाकई में दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर। स्वामी जी बेस्ट वीडियो भी दिखा देते हैं। मृदुला दास कोलकाता पश्चिम बंगाल से, क्या बात है, क्या बात है। और कोई चीटिंग नहीं की है इन्होंने, एकदम शुरू से जैसे आसन करना चाहिए वैसे उन्होंने किया। मृदुला जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। स्वामी जी अब आज के योग चैलेंज की बारी है। आज का योग चैलेंज मैंने पहले ही बताया था, जल नेति का है। जल नेति का ये पोर्ट हमने बना दिया है। पहले अमेजोन पर 1,000 रुपए का मिला करता था, हमने उसको 5 गुना सस्ता उपलब्ध करा दिया है। अब इसमें थोड़ा गर्म पानी भर लें, सेंधा नमक डाल लें और ये घर पर करें भी और इसका वीडियो बना करके इंडिया टीवी पर भेजें भी। ये इतना इजी है, पहले ऐसे बैठा करके ऐसे करवाते थे, अब इसमें कुछ नहीं, सिंपल ऐसे ही बैठे और ऐसे बैठ करके एक नाक में लगाएं और दूसरे नाक से अपने आप ही पानी निकलने लगेगा। और ये 10 सेकेंड में एक नाक से, 10 सेकेंड में दूसरे नाक से हो जाता है। देखो इसमें लगाए, इधर एक तरफ लगाए, दूसरी तरफ एकदम फैसले नल खुल गया हो। स्वामी जी आज का चैलेंज दर्शकों ने एक्सेप्ट करना है, हमारे दिए गए नंबरों पर जल्दी से वीडियो बनाएं, भेज दें। सुबह सुबह का वक्त है, अभी योग अभ्यास आपने किया है, वीडियो बनाएं और ये हमारे नंबर्स पर भेज दें। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम, 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 शुक्रिया।